नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि पीडीपी के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर धारा 370 और 35 से जाने के 3 साल आज यहां पर पूरे हो गए हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से प्रदर्शन करती हुई पीडीपी पार्टी नजर आई है। पीडीपी सहित अन्य सियासी दल आज सड़कों पर उतर गए हैं। 370 निरस्त होने की 3री वर्षगांठ पर श्रीनगर में यहां पर प्रदर्शन किया गया और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। उपराज्यपाल का भी बयान सामने आया कि 3 सालों में यहां बेतहाशा बदलाव हुआ है, लेकिन इस बीच में पीडीपी पार्टी और विपक्ष पूरी तरह से सड़कों पर आज 3 साल हो चुके हैं। धारा 370 और 35 को गए हुए, लेकिन इस बीच में आप साफ तस्वीरों में देखिए किस तरह से पीडीपी पार्टी जो है वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। उपराज्यपाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेतहाशा बदलाव जो है धारा 370 और 35 से जाने के बाद हुआ है, लेकिन पीडीपी सहित अन्य सियासी दल पूरी तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से बैनर और तख्तियां लेकर पीडीपी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती लगातार सड़कों पर मौजूद है और अपनी बयानबाजी जारी करती हुई नजर आ रही है। इस बीच में धारा 370 और 35 को लेकर एक बयान यहां पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया है कि पूरी तरह आप देखिए किस तरह से खिलवाड़ यहां जम्मू कश्मीर के साथ किया गया, लेकिन इस बीच में श्रीनगर के अंदर किस तरह से हालात हैं वो साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीडीपी पार्टी किस तरह से आज धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि विपक्ष पूरी तरह से यहां पर मांग कर रहा है कि राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, लेकिन इस बीच में अगर अमित शाह के बयान को लेकर बात करें तो संसद के अंदर उनकी तरफ से कहा गया था कि सबसे पहले धारा 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा और उसके बाद यहां पर परिसीमन आयोग काम करेगा, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव और फिर राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में आज 3 साल हो चुके हैं धारा 370 और 35 को गए हुए, लेकिन पीडीपी पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है। पूरी तरह से आप देखिए धरने प्रदर्शन का सिलसिला पीडीपी पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है और अलग अलग सियासी दल भी आज यहां पर राज्य के दर्जे की मांग करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बीच में मनोज सिन्हा का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बेतहाशा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है धारा 370 और 35 से जाने के बाद। हमारे सीनियर सहयोगी सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनम, जिस तरह से आज 3 साल हो गए हैं धारा 370 और 35 को गए हुए, लेकिन महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी बयानबाजी आज यहां पर जारी रखी गई है। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि पीडीपी कारकुनान ने श्रीनगर में एक प्रदर्शन करने की कोशिश भी की और इस दौरान उन्होंने अपने ऑफिस से बाहर निकल के एक प्रदर्शन भी किया। उसकी महबूबा मुफ्ती अगुवाई कर रही थी और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ इस दौरान मीडिया से बात भी की। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने देश की बात की, जम्मू कश्मीर की बात की, 5 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उसकी उसके शब्दों में उसने निंदा भी की और ये भी बताया कि देश को जिस तरह से इस वक्त डेमोक्रेसी से दूर किया जा रहा है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि ये सब कुछ जो है देश में आने वाले वक्त के लिए एक उनके शब्दों के मुताबिक जाहिर कातिल साबित हो सकता है। और अगर हम सरकारी सतह पे बात करें, आज के दिन के हवाले से प्रयास जो हैं, प्रोग्राम जो हैं, वो पहले से रखे गए। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्हें कल भी और आज लगातार दूसरे दिन 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद के हालात बताते हुए बताया कि 5 अगस्त 2019 से पहले विकास कहीं नहीं था, यहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और आज का हवाला देते उन्होंने बताया कि मैग्नमाइजेशन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, विकास हो, इस पर चारों जो है दिन दुगनी रात चुगनी सरकार जो है तरक्की कर रही है और इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, लोकल पर इंटरप्रेनरशिप हो, ये सब चीज सरकार की प्रायोरिटी में। यानी 3 साल पूरे होने के बाद एक तरफ विपक्ष पूरी तरह से लामबंद और यहाँ पर निशाना साधता हुआ नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए मनोज सिन्हा की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया कि बेतहाशा बदलाव हुआ। लेकिन इस बीच में महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर एक और बयान जो है वो सामने रखा है, जिसमें वो कह रही है आम जनता से कि बहुत देर के बाद आपको समझ आएगा कि बहुत बड़ा कांड जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है। देखिए बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह बताया कि जो खामोशी है, चाहे वो 5 अगस्त के दिन पे खामोशी रही या इस वक्त खामोशी है, ये खामोशी को इसको ये ना समझा जाए, इसको कोई ये ना समझा कि कश्मीरियों ने एक्सेप्ट फैसला कर लिया है, ये मजबूरी है कश्मीरी की, ये महबूबा मुफ्ती ने बताया। साथ में उसने ये भी बताया कि आज की डेट में जो लोग इस पर बड़ा खुशी का इजहार करें, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो जम्मू के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हों, जिस भी प्रांत से हों, या कश्मीर के लोग जो हैं, वो अगर इस फैसले से आज कुछ लोग, उन्होंने बताया कि कुछ हैं जो इस पर कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अच्छा फैसला हुआ, उन्हें वक्त आने पे मालूम होगा जब उनके उनके बकौल महबूबा मुफ्ती के शब्दों के मुताबिक जब एसेट्स लिए जाएंगे, जब उनके यहाँ पे रोजगार उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, सब कुछ यहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों के हाथ में होगा,
तब जम्मू कश्मीर के लोग बताएंगे कि हमने तब क्या बात की थी, और ये भी बताया कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस पीढ़ी को जरूर तब याद करेगी, ये महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में बताया। आज की डेट में हम देखें तो श्रीनगर में कांग्रेस ने भी सुबह सुबह श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जो उनके लीडर है मोहम्मद शफी, जिसे कश्मीर में आमतौर पर बबर शेर के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने भी काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। अकेले वो थे लेकिन लाल चौक में सुबह सुबह वो तड़के पहुंचे हुए थे, मार्च किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पिछले काफी वक्त से खासतौर 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में ज्यादातर सियासत जो है ट्वीट की सियासत करती है, कोई ऐसी बड़ी जो हम कहें तो रोड की सियासत उनमें नजर नहीं आ रही है, और आज भी उन्होंने वही रखा कि उमर अब्दुल्ला का सुबह सुबह ट्वीट आया। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो आज भी एक बार फिर अपने आप को मार्क ग्राउंड पे लाते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को लेते हुए उन्हें श्रीनगर में प्रदर्शन किया, और जम्मू कश्मीर की मांग उठी है आज सनम एक बार फिर से। एक बार दोबारा सवाल, राज्य का दर्जा बहाल करने की भी बात कही गई, मांग सामने रखी गई है। देखिए बिल्कुल, राज्य का दर्जा तो पूरा सभी सियासी जमाते हैं कश्मीर का, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या जो भी चुनावी सियासत पे विश्वास रखते हैं, वो सबका कहना है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जो है वो बहाल होना चाहिए, और ये पहली प्रायोरिटी उन लोगों की है। लेकिन पीडीपी जो है वो खासतौर पर ये चीज बता रही है कि 5 अगस्त 2019 का फैसला किसी भी हाल में उन्हें, खासतौर पर गुपकार अलायंस की अगर बात करें तो वो ये बांधने को तैयार नहीं है। अगर जो गुपकार अलायंस का एक दड़ा खामोशी दिखाई देता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उसके साथ साथ मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर शाह जो है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इस सारे 5 अगस्त के फैसले को कबूल ना करने का अंदिया या बताते रहते हैं। सना बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से धारा 370 और 35A के निरस्त होने के बाद पूरी तरह से श्रीनगर की सड़कों पर किस तरह से धरना प्रदर्शन पीडीपी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी, और साथ ही साथ यहां पर ट्वीट जो है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी किया गया है। लेकिन आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। नेशनल हाईवे के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर 7 घंटे बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोल दिया गया है, और हाईवे पर फंसी हुई गाड़ियों को अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है, और रामबन में हाईवे भूस्खलन के कारण यहां पर बंद कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला जम्मू से भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो आप देखिए, जम्मू से ही गाड़ियां निकलकर कश्मीर तक पहुंचती हैं, लेकिन इस बीच में नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था, जो करीब 7 घंटे बाद यहां बहाल कर दिया गया है, और हाईवे पर जो गाड़ियां फंसी हुई हैं सबसे पहले उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है। करीब 7 घंटे तक यहां पर ये हाईवे बंद रहा है, और उसके बाद प्रशासनिक अमले ने जिस तरह से काम किया, अब आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से 7 घंटे के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया है, और रामबन में हाईवे भूस्खलन के कारण अक्सर यहां पर बंद रहता है, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक आला अधिकारियों की तरफ से भी काम, और साथ ही साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भी जो काम यहां पर किया गया, इस बीच में आप देखिए 7 घंटे के बाद यहां पर इस पूरे रास्ते को खोल दिया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट, जो लोग इस वक्त रास्ते में फंसे हुए हैं उनके लिए राहत भरी खबर है कि हाईवे को एक बार फिर से खोल दिया गया है, और अगर मौसम इसी तरह से साफ रहता है तो फिर यहां गाड़ियों की आवाजाही को रोका नहीं जाएगा, लेकिन अगर मौसम बाधा बनता है और पसियां गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर से यहां यातायात को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अमूमन आप देखिए, जब भी मौसम खराब होता है उस वक्त इसी तरह से हालात जो है वो नेशनल हाईवे पर देखे जाते हैं, लेकिन अब करीब 7 घंटे के बाद नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है, और जब ये नेशनल हाईवे को खोला गया है तो रास्ते में फंसी हुई गाड़ियों में जितने भी लोग सवार हैं उन्होंने कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरह से 7 घंटे के बाद अब यातायात को बहाल किया गया है, किस तरह से वहां पर पूरी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, और आगे की पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, जहां हम हाईवे की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि दरमियानी शब से, जो गुजश्ता शब है उसके दरमियान से ही तेज बारिश का सिलसिला रामबन बानिहाल या फिर उधमपुर रामबन सेक्टर में शुरू हो गया था, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बंद हो गई थी। आज सुबह 4 बजे के करीब जब गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद किया गया, क्योंकि बारिशों का सिलसिला काफी तेज था, और उस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मेहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर पत्थर, मलबा और पसिया गिराई थी। हालांकि बारिश का सिलसिला जैसे ही रुका उसके बाद हमने देखा कि रोड क्लियरेंस का काम शुरू किया गया। रोड क्लियरेंस का काम काफी चैलेंजिंग था ट्रैफिक अथॉरिटीज के लिए, क्लियरेंस एजेंसीज के लिए, क्योंकि शूटिंग स्टोन कंटिन्यूसली हो रहा था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, क्योंकि मौसम में कहीं ना कहीं हमें बेहतरी देखने को मिल रही है, और इस तमाम के चलते हुए रोड पर जो क्लियरेंस का काम है वो काफी आसान हो गया, और इसके बाद क्लियरेंस एजेंसीज ने अपनी माइनर मशीन को यूटिलाइज करके रोड पर लगभग 11 बजे के करीब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को मोटरेबल बना दिया, और जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हाईवे पर थे
उन तमाम गाड़ियों को इस वक्त चलने की इजाजत दी गई है। हालांकि हम देखिए वेदर प्रेडिक्शंस की तो बात है कि जरा मौसम खराब रहेगा, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि जैसे ही मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है तो वैसे वैसे गाड़ियों को चलाया जा रहा है और तमाम उन गाड़ियों को इस वक्त चलने की इजाजत है जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर स्टैंडिंग है, और जैसे ही वो क्लियर होंगे उसके बाद फ्रेश ट्रैफिक जो अलाउ किया जाएगा, क्योंकि कल रात हमने देखा कि ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया था लेकिन उसके बाद ही मौसम ने करवट ली। तो आज की डेट की अगर हम बात करें ट्रैफिक प्लान, तो पहले प्रायोरिटी पर उन गाड़ियों को निकाला जाएगा जो हाईवे पर फंसी और उसके बाद फ्रेश ट्रैफिक को भी दोनों जिस तरह से ट्रैफिक प्लान की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो लोग अपने घरों से बाहर आज निकल रहे हैं उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल रूम में पहले जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आशी ये चीज तो हर बार हम देखते हैं कि जब भी ट्रैफिक प्लान निकलता है तो उसके साथ में एडवाइजरी भी जारी कर दी जाती है, क्योंकि अब बरसात के मौसम में हम देख रहे हैं जबकि मॉनसून की बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल है ये तमाम चीजें। जब हम देखें प्रेडिक्शंस होती है लेकिन अब सुबह देखेंगे मौसम कुछ और होता है, एक आध घंटे में मौसम करवट ले लेता है। इन तमाम चीजों को लोगों को भी समझना चाहिए और ट्रैफिक एडवाइजरी को भी फॉलो करना चाहिए ताकि रास्ते में चलते दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना हो। जब हमने देखा कि हाईवे पर आप मिहाड़ कैफेटेरिया पंथियाल को ले लीजिए, अगर आधे घंटे तेज बारिश होती है तो शूटिंग स्टोन शुरू हो जाता है, इस वजह से आपको कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने हाईवे पर अपना सफर शुरू करना चाहिए, चाहे आप श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहे हैं या फिर जम्मू से श्रीनगर। जी, और अभी जो यातायात बहाल हुआ है वो दोनों तरफ से नदीम बहाल हुआ है या फिर श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर की ओर? जी बिल्कुल, देखिए आशा प्रायोरिटी पे तो उन गाड़ियों को चलाया जाएगा जो हाईवे पर स्टैंडर्ड है, उसके बाद एलएमएस की बात करें एलएमएस को दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी और फिर ऐसे वो क्लियर होगा तो एचएमएस को भी चलने का मौका मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर मौसम बेहतर रहता, अगर मौसम साजगार रहा तो गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, अगर दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो मुश्किल। नदीम बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम रामबन से हमें अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अगर मौसम बाधा बनता है तो फिर यातायात को रोक दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यातायात को पूरी तरह से बहाल किया गया है, आवाजाही के लिए गाड़ियों को छोड़ा गया है। सबसे पहले जो हाईवे पर गाड़ियां फंसी हुई हैं उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से आपको दिखा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी किस तरह से धरना प्रदर्शन यहां पर करती भी नजर आ रही है। सरकार की नीतियों पर प्रदेश कांग्रेस ने अब सवाल उठा दिए हैं और महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर जम्मू में यहां जोरदार प्रदर्शन कर दिया गया है और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की यहां पर भी मांग जो है वो उठती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए एक तरफ धारा 370 और 35 के जाने के बाद पीडीपी पार्टी धरना प्रदर्शन और विपक्ष पूरी तरह से लामबंद, लेकिन उस बीच में अगर जिला जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर भी कांग्रेस ने कई तरह के सवाल यहां पर उठा दिए हैं और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की वो भी मांग करती हुई नजर आ रही है। महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर जम्मू में जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से, और आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस का प्रदर्शन और भी अलग अलग राज्यों के अंदर पूरी तरह से बदस्तूर जारी है और सरकार की नीतियों पर प्रदेश कांग्रेस ने यहां पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन इस वक्त आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी भी किस तरह से यहां पर लामबंद होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से यहां पर तख्तियां बैनर लेकर और झंडे लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो महंगाई और उनके साथ अन्य मुद्दों को लेकर भी कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरी तरह आप देखिए लामबंद दिख रहा है विपक्ष, पूरी तरह आज पीडीपी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, पूरी तरह से सड़कों पर। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करें तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट कर अपनी बात सामने रखी गई है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें जीएसटी का मुद्दा उठाया गया है, महंगाई को लेकर मुद्दा उठाया गया है और साथ ही साथ राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को भी सामने रखा गया है। और आप देखिए सड़कों पर कार्यकर्ता किस तरह से हुजूम की तादाद में यहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ मांग उठाई जा रही है कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल यहां पर होना चाहिए, क्योंकि महंगाई और उसके साथ अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज लामबंद होती हुई नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता भी लगातार सड़कों पर मौजूद हैं। लेकिन इस बीच में किस तरह से पूरी अपडेट है, रितिका ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रितिका, क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर, क्योंकि तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ डिमांड्स रखी गई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू के सड़कों में दोबारा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोल किया गया, जिसमें रमन बला समेत अन्य कार्यकर्ता जो थे वो इस प्रदर्शन में शामिल थे और मुद्दा था महंगाई का। जो जीएसटी बढ़ाई गई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स जाता है उसमें 5% से लेकर 18% तक की बढ़ोतरी की गई थी। ज्यादातर आइटम्स इसमें बता देंगे मिल्क प्रोडक्ट इसमें आ रहे थे, घरेलू तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीजें इसमें आ रही थी, जिसका सीधा असर दिखता है आम जनता पे। और इसी मुद्दे को उन्होंने कगार पे रख के आगे रख के आज का प्रदर्शन किया और आज का दिन जो कि 370 टूटा था और डेवलपमेंट से जोड़ा गया था इस मुद्दे को,
तो इसी दिन को उन्होंने चुन के प्रदर्शन करने का जो कार्य है जम्मू की सड़कों पे किया। लेकिन रितिका आप देखिए आज विपक्ष पूरी तरह से सड़कों पर है, कोई धारा 370 और 35A को लेकर तख्तियां लेकर पहुंच गया है, और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी जम्मू में ही धरना प्रदर्शन नहीं कर रही है, देश के अलग अलग राज्यों में भी धरना प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल, आपको बता देगी विपक्ष की पार्टियों की अगर मैं बात करूं सबका एक ही उद्देश्य है प्रेजेंट गवर्नमेंट को निशाना बनाए, यानी कि बीजेपी सरकार के तमाम जितने भी डिसीजन लिए गए हैं चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, हर एक डिसीजन को मुद्दा बना के आज के दिन जो है वो सड़कों पे आने का कार्य किया जा रहा है और देश भर में प्रदर्शन जो है अलग अलग मुद्दों पे देखने को मिले। कहीं पे 370 धारा के टूटने के विरोध में प्रदर्शन किया गया, कहीं पे ब्लैक डे बनाया गया और कहीं पे जीएसटी को लेके प्रदर्शन जो है वो हमें देखने को मिले। चलिए रितिका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो बता रही कि किस तरह से विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज 5 अगस्त है और 2019 में एक बड़ा फैसला सामने आया था जिसमें आप देखिए किस तरह से विपक्ष ने अपना कटाक्ष भी सामने रखा था और निंदा भी की थी, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए आज फिर से विपक्ष पूरी तरह से सड़कों पर उतर आया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कठुआ के हीरानगर सेक्टर लिए चलेंगे जहां पर आप देखिए चोरियों की घटनाएं किस तरह से बढ़ती जा रही है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कठुआ में चोरियों के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है और छंड रोडिया में चोरों ने सूने मकान को निशाना बना लिया है, लाखों का सोना और नकदी लेकर यहां से चोर फरार हो गए हैं और पिछले 15 दिनों से ये सड़क के किनारे यहां पर मकान है जो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन इस बीच में चोरों ने यहां पर किस तरह से इस पर बड़ा सवाल यहां कठुआ पुलिस पर भी खड़ा होता है कि कठुआ में चोरी के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। छन रोड़िया इलाका है जहां पर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया है और इससे पहले जिला सांबा के अंदर भी इसी तरह से चोरी की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं, पशु तस्करी के मामले और नशे से भी जुड़े हुए मामले जो है वो सामने आ रहे थे, लेकिन इस बीच आप देखिए जिला कठुआ से आज बड़ी खबर देखने को मिली है जहां पर हीरानगर की अगर बात करें तो कठुआ में लगातार चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इजाफा होता जा रहा है। अब यहां पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छंड रोड़िया इलाका है जहां पर एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और किस तरह से चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है साफ तस्वीरों में आप देखिए। अब यहां से सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन आगे की कार्यवाही पुलिस की तरफ से किस तरह से की गई है ये अब कहीं ना कहीं सवाल बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। घर के अंदर चोर पहुंचते हैं और पूरे घर के अंदर पहुंचकर यहां पर नकदी और पैसों पर हाथ साफ किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पहले यहां घटना यह भी देखने को मिली थी और बात भी सामने आई थी कि सबसे पहले रैकी की जा रही है और उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इस बार जो कठुआ के अंदर यहां चोरी की घटना सामने आई है इसमें देखना यह होगा कि लाखों का सोना और साथ ही साथ नकदी जो यहां पर चोरी की गई है वो किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, छानबीन करने की कोशिश की जा रही है, दस्तावेज इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस तरह से अब यहां पर कार्यवाही होगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस पर भी अक्सर सवालिया निशान जो है वो उठते आए हैं कि जिस तरह से चोरों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं आखिर इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है। तो जिला सांबा के अंदर पुलिस हरकत में आई थी और नकेल कसने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जिला कठुआ के अंदर किस तरह से यहां पर काम चल रहा है रंजीव ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की? अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि चोरों के इसका मुख्य कारण है कि कठुआ जिला जो है ये पंजाब और हिमाचल की सीमा से लगा हुआ है, अंतर्राज्यीय गिरोह जो है वो इसमें पहले भी सक्रिय है, जो भी राज्यों से भी राज्यों से आते हैं और केंद्र से आते हैं वो जहाँ से चोरियों को अंजाम देते वहाँ से ये हमारा बॉर्डर क्रॉस करके फिर पंजाब की तरफ निकल जाते हैं जो पुलिस के लिए भी काफी खतरनाक बन जाता है कई बार। लेकिन रंजीव अभी तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस घर के अंदर पहुंची हुई है, सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है, क्या किसी को कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है या सुराग कोई हाथ लग पाया है? जी अभी एफएसएल की टीम छानबीन कर रही है और सबूत जो कर रही है, जितने भी जो चोरे हैं उनकी उनके निशानों को इकट्ठा करके अपने सबूत जुटाकर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, लेकिन फिलहाल मेरी थाना प्रभारी राजबाग अमित सांगड़ा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है अपना काम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर रही है और इस चोरी की घटना ही सुलझा लिया जाएगा
और आपको बता दूं कि ये जो घर है ये पिछले 15 दिन से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि जो घर वाले हैं वो सारे दिल्ली में रहते हैं तो घर से बाहर। आज जैसे ही घर का मालिक विनोद शर्मा घर पहुंचा तो उसने देखा कि मेन गेट को फांद कर अंदर के सारे ताले तोड़े हुए हैं, अलमारियों से कैश और गोल्ड जितना भी है सब चोरों के चोर ले गए थे और दूसरा सामान सारा बिखरा हुआ है। जी आशा, चलिए रंजीत बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीत पूरी तरह से अपडेट दे रहे थे कि एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है और पुलिस की तरफ से भी दावा किया गया है कि बहुत ही जल्द इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन एक सूने मकान को निशाना बनाया गया है और अब इन चोरों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, अब डोडा के भवानी नगर स्थित एक मकान में चमत्कार देखने को मिला है। यहां एक परिवार ने अपने घर की दीवार में भगवान शिव का स्थान होने का दावा किया है और परिवार के मुताबिक अक्सर भगवान शिव सहित अन्य देवी देवता उनके सपने में आते थे और यही नहीं परिवार का यहां मुखिया भी सांस की बीमारी से ग्रस्त था जिसकी हालत में अब सुधार हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके घर की दीवार से संदिग्ध परिस्थितियों में पानी टपकना शुरू हो गया है और जब उन्होंने इसकी छानबीन की तो वहां पर भगवान शिव का स्थान होने का पता चला। तो परिवार का दावा है कि जब से उन्होंने घर की इस दीवार को तोड़ा है तब से परिवार का मुखिया भी स्वस्थ होने लगा है और उनकी सभी समस्याएं एक एक करके हल होती जा रही हैं। हमें तो सिर्फ सपनों में ज़्यादातर दिखते थे, सपने हमें सबको आते थे और यहाँ सबको प्रॉब्लम थी। किस तरह के सपने आते थे? जैसे अब देवी देवता तो सबको सपनों में ज़्यादातर आते हैं, ऐसे तो किसी को दिखाई देंगे नहीं। सपनों में तो बहुत सारे दिखते हैं, अपनी अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा होती है और जहाँ पर विश्वास श्रद्धा हो तो वहाँ देवी देवता हर जगह ही नज़र आते हैं। तो हमें ज़्यादातर सपनों में आते थे और जब हमें देखते सपनों में दिखते थे और उसके बाद जब हम मम्मी पापा जो है बहुत मतलब उनको बीमार थे, वो उनकी प्रॉब्लम पापा को सांस प्रॉब्लम थी तो वो बहुत बीमार रहते थे। तो इस तरह से हमें जब हमें कुछ भी हल नहीं मिला हर जगह गए पापा हमारे, हर जगह उन्होंने इलाज करवाया अपना तो वो ठीक नहीं रहते थे। अगर होती भी थी उनको फ़र्क तो थोड़े मतलब एक हफ्ते ज़्यादा एक हफ्ता, हर एक डॉक्टर की दवाई से एक हफ्ता फ़र्क होती। अब जब से हमने यहाँ पे खोल दिया है क्योंकि उनको सांस बंद होती थी तो यहाँ पे भी ये बंद पड़ा ही हुआ था एक हिसाब से, तो शायद उसी वजह से उनको सांस प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी और जब से हमने ये खोला है तो तब से उनकी सांस प्रॉब्लम मतलब कम हो गई, अब उनको उतनी सांस प्रॉब्लम नहीं होती है, अब वो ठीक होने लगे। बस शाम यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शनों के लिए और कुछ लोग हैं ऐसे जिनको दिख जाता है कि यहाँ पर क्या, क्योंकि उनको श्रद्धा विश्वास है तो भक्ति होती है अपने अपने जिनको दिख जाता है कि यहाँ क्या है, और कुछ ऐसे आते हैं जिनको कुछ पता नहीं लगता है, वो सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है और ये भगवान की होती है मर्जी की किसको कैसे मतलब दर्शन दिया जाता है और जिनकी इच्छा जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे आएगा। कल्याण के रहने वाले सगोत कल्याण, तो हम डोडा में आए हैं 2010 में जब आए थे तो यहाँ पर ज़मीन खरीदी हमारे पापा ने ताकि हम अच्छे स्कूल जा सकें डोडा में। तो यहाँ पे जब हमने ज़मीन खरीदी घर बनाया तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो जब हमने घर बनाया उसके बाद जब धीरे धीरे करके जब टाइम बीतता गया तो यहाँ पे पानी आने लगा, जब पानी आया तो हमने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके बाद मम्मी पापा बीमार होने लगे। जब वो बीमार हुए डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर कहने लगे आपको कुछ ऐसे ही है नॉर्मल सी बात है हो जाएगी ठीक, पर वो बहुत डॉक्टर के पास गए, बहुत दूर दूर तक गए डॉक्टर के पास लेकिन कहीं भी उनको अपना प्योर इलाज नहीं मिला, उनको बस 2 दिन होता था आराम उसके बाद वैसे ही फिर बीमारी फिर हो जाती, उनको सांस की प्रॉब्लम थी तो जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जब हमने किसी से पूछा वगैरह जानकारी ली तो उन्होंने कहा जहाँ पे कुछ है, क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह बहुत होते थे, जब हमने लोगों को बताया कि यहाँ सांप होते हैं उन्होंने कहा कि आप देख लें एक बार जहाँ पे आपने पहले कहीं पानी वगैरह है तो वहाँ पे देख लो, क्योंकि जो सांप है वो नाग देवता का प्रतीत होते हैं हमारे धर्म में। तो जब हमने इसको देखा तो हमने इसको खोद के देखा यहाँ शिवलिंग बनी हुई थी और ये दीवार में बनी है, ये कहीं नीचे न खोद के नहीं बनी, ये दीवार के बीच में बनी हुई है, तो ये बाथरूम की दीवार थी, ये हमारा इस साइड में घर था कमरे हैं ये तो इस साइड बाथरूम की दीवार, और उसके बाद जब ये पानी जब हमने इसको पहले इग्नोर किया था तो उसके बाद हमें कमरों में आने लगा, तो हमने रूम में भी टाइल लगाई वगैरह लेकिन जब फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हमें ये मजबूरन तोड़ना पड़े और यहाँ पर बर्फानी बाबा दिखे हमें। तो जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में बारिश ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार रात और आज सुबह जमकर हुई बारिश से धान की फसलों को तो यहां फायदा हुआ लेकिन जम्मू शहर के कई इलाकों में फिर से यहां भारी जलभराव के कारण
लोगों को यहाँ कहीं दिक्कतें जो है वो झेली पड़ी हैं। तो पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से किसी के पसीने यहाँ पर ये पूरी तरह मौसम जो है वो छुड़ा रहा था, लेकिन अब बारिश ने आकर यहाँ तापमान में गिरावट ला दी है और लोगों ने राहत की सांस भी ली है। मैं कह रहा हूँ ये बारिश जो पिछले दिनों में जो बारिश हुई है थोड़ी सी राहत मिल गई, लेकिन जो आज बारिश आई है वो अच्छा सुहाना मौसम हो गया है। बाकी मैं कहता हूँ कि जो किसान भाई हैं हमारे जो उनको जो पानी की किल्लत है वो उनको दूर हो गई है। जो मुंजी छुंजी लगाने वाले हैं, जो मक्की लगा रहे हैं जो पहाड़ी इलाकों में, उनके लिए भी राहत अच्छी मिल गई है। बाकी ये मौसम जो बारिश हो रही है वो अच्छी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा गर्मी का मौसम जो ठीक हो जाएगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।